वीडियो शुरू करने से पहले एक बात बता देना चाहता हूँ कि प्रतिहार, परिहार, परिहार वंश केवल क्षत्रिय राजपूत वंश है। इस वंश का गुर्जर वंश से कोई ताल्लुकात नहीं है। प्रतिहारों के साथ गुर्जर इसलिए जोड़ा गया क्योंकि गुर्जर देश पर प्रतिहारों ने राज किया था। गुर्जर देश पर राज करने के कारण वे गुर्जरेश्वर, गुर्जरनरेश या गुर्जरादित्य कहलाए। आज भारत पर राज करने वाला भी भारत सम्राट या भारत नरेश कहलाएगा। भारत पर मुगलों ने भी शासन किया है, इस वजह से यहाँ पर राज करने के कारण सुल्तान या हिंदुस्तान कहलाए। अब हिंदुस्तान कोई जाति तो थी नहीं, था तो देश। बस यही प्रतिहार वंश के साथ हुआ था। गुर्जर देश पर राज करने के कारण गुर्जरन रेश या गुर्जरेश्वर कहलाए। प्रतिहार वंश क्षत्रिय राजपूत वंश है। आपका ज्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। एक ऐसा राजा जिसने अरब तुर्क मुस्लिम आक्रमणकारियों को भागने पर विवश कर दिया और जिसके युग में भारत सोने की चिड़िया कहलाया। मित्रों, प्रतिहार परिहार क्षत्रिय राजपूत वंश के 9वीं शताब्दी में सम्राट मिहिर भोज भारत का सबसे महान शासक था। उसका साम्राज्य आकार, व्यवस्था, प्रशासन और नागरिकों की धार्मिक स्वतंत्रता के लिए चक्रवर्ती गुप्त सम्राटों के समकक्ष सर्वोत्कृष्ट था। भारतीय संस्कृति के शत्रु मलेच्छो यानी मुस्लिम तुर्कों, अरबों को पराजित ही नहीं किया अपितु उन्हें इतना भयाक्रांत कर दिया था कि वे आगे आने वाली एक शताब्दी तक भारत की ओर आंख उठाकर देखने का भी साहस नहीं कर सके। चुंबकीय व्यक्तित्व संपन्न सम्राट मिहिर भोज की बड़ी बड़ी भुजाएं एवं विशाल नेत्र लोगों में सहज ही प्रभाव एवं आकर्षण पैदा करते थे। वह महान धार्मिक, प्रबल पराक्रमी, प्रतापी, राजनीति निपुण, महान कूटनीतिज्ञ, उच्च संगठक, सुयोग्य प्रशासक, लोक कल्याण रंजक तथा भारतीय संस्कृति का निष्ठावान शासक था। ऐसा राजा जिसका साम्राज्य संसार में सबसे शक्तिशाली था। इनके साम्राज्य में चोर डाकुओं का कोई भय नहीं था। सुदृढ़ व्यवस्था व आर्थिक संपन्नता इतनी थी कि विदेशियों ने भारत को सोने की चिड़िया कहा। यह जानकार अफसोस होता है कि ऐसे अतुलित शक्ति, शौर्य एवं समानता के धनी मिहिर भोज को भारतीय इतिहास की किताबों में स्थान नहीं मिला। सम्राट मिहिर भोज प्रतिहार के शासनकाल में सर्वाधिक अरबी मुस्लिम लेखक भारत भ्रमण के लिए आए और लौटकर उन्होंने भारतीय संस्कृति, सभ्यता, आध्यात्मिक दार्शनिक ज्ञान, विज्ञान, आयुर्वेद, सहिष्णु, सार्वभौमिक समरस जीवन दर्शन को अरब जगत सहित यूनान और यूरोप तक प्रचारित किया। क्या आप जानते हैं कि सम्राट मिहिर भोज ऐसा शासक था जिसने आधे से अधिक विश्व को अपनी तलवार के जोर पर अधिकृत कर लेने वाले ऐसे अरब तुर्क मुस्लिम आक्रमणकारियों को भारत की धरती पर पांव नहीं रखने दिया, उनके सम्मुख सुदृढ़ दीवार बनकर खड़े हो गए। उसकी शक्ति और प्रतिरोध से इतने भयाक्रांत हो गए कि उन्हें छिपाने के लिए जगह ढूंढना कठिन हो गया था। ऐसा किसी भारतीय लेखक ने नहीं बल्कि मुस्लिम इतिहासकारों बेलादुरी सलमान एवं अल मसूदी ने लिखा है। ऐसे महान सम्राट मिहिर भोज ने 836 ईस्वी से 885 ईस्वी तक लगभग 50 वर्षों के सुदीर्घ काल तक शासन किया। सम्राट मिहिर भोज प्रतिहार जी का जन्म रामभद्र प्रतिहार की महारानी अपादेवी के द्वारा सूर्य देव की उपासना के प्रतिफल के रूप में हुआ माना जाता है। मिहिर भोज के बारे में इतिहास की पुस्तकों के अलावा बहुत कम जानकारी उपलब्ध है। मिहिर भोज ने 836 ईस्वी से 885 ईस्वी तक 49 साल तक राज किया। मिहिर भोज के साम्राज्य का विस्तार आज के मुल्तान से पश्चिम बंगाल तक और कश्मीर से कर्नाटक तक था। सम्राट मिहिर भोज बलवान, न्याय प्रिय और धर्मरक्षक थे। मिहिर भोज शिव शक्ति के उपासक थे। स्कंद पुराण के प्रभास खंड में भगवान शिव के प्रभास क्षेत्र में स्थित शिवालयों व पीठों का उल्लेख है। प्रतिहार साम्राज्य के काल में सोमनाथ को भारतवर्ष के प्रमुख तीर्थ स्थानों में माना जाता था। प्रभास क्षेत्र की प्रतिष्ठा काशी विश्वनाथ के समान थी। स्कंद पुराण के प्रभास खंड में सम्राट मिहिर भोज के जीवन के बारे में विवरण मिलता है। मिहिर भोज के संबंध में कहा जाता है कि वे सोमनाथ के परम भक्त थे। उनका विवाह भी सौराष्ट्र में ही हुआ था। उन्होंने मलेच्छों से पृथ्वी की रक्षा की। 49 वर्ष तक राज्य करने के पश्चात वे अपने बेटे महेंद्रपाल प्रतिहार को राज सिंहासन सौंप कर संन्यास वृत्ति के लिए वन में चले गए थे।
सम्राट मेहर भोज का सिक्का जो कि मुद्रा थी उसको सम्राट मेहर भोज ने 836 ईस्वी में कन्नौज को देश की राजधानी बनाने पर चलाया था। सम्राट मेहर भोज महान के सिक्के पर 12 भगवान जिन्हें कि भगवान विष्णु के अवतार के तौर पर जाना जाता है। 12 भगवान ने हिरण याक्ष राक्षस को मारकर पृथ्वी को पाताल से निकालकर उसकी रक्षा की थी। सम्राट मेहर भोज का नाम आदिवारा भी है। ऐसा होने के पीछे दो कारण हैं। पहला, जिस प्रकार 12 भगवान ने पृथ्वी की रक्षा की थी और हिरण याक्ष का वध किया था, ठीक उसी प्रकार मेहर भोज मल्लेच्छों मुगलों अरबों को मारकर अपनी मातृभूमि की रक्षा की। दूसरा कारण, सम्राट का जन्म 12 जयंती को हुआ था जो कि भादौ महीने की शुक्ल पक्ष के द्वितीय दोज को होती है। सनातन धर्म के अनुसार इस दिन चंद्रमा का दर्शन करना बहुत शुभ फलदायक माना जाता है। इस दिन के दो दिन बाद महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी का उत्सव प्रारंभ हो जाता है। जिन स्थानों पर प्रतिहारों परिहारों पड्यारों इंदा राघव अन्य शाखाओं को सम्राट भोज के जन्म दिवस का पता है, वे इस 12 जयंती को बड़े धूमधाम से मनाते हैं। जिन भाइयों को इसकी जानकारी नहीं है, आप उन लोगों के इसकी जानकारी दें और सम्राट मेहर भोज का जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाने की प्रथा चालू करें। अरब यात्रियों ने किया सम्राट मेहर भोज का यशोगान। अरब यात्री सुलेमान ने अपनी पुस्तक सिलसिली उत्तवारीख 851 ईस्वी में लिखी, जब वह भारत भ्रमण पर आया था। सुलेमान सम्राट मेहर भोज के बारे में लिखता है कि प्रतिहार सम्राट की बड़ी भारी सेना है, उसके समान किसी राजा के पास उतनी बड़ी सेना नहीं है। सुलेमान ने यह भी लिखा है कि भारत में सम्राट मेहर भोज से बड़ा इस्लाम का कोई शत्रु नहीं है। मेहर भोज के पास ऊंटों हाथियों और घुड़सवारों की सर्वश्रेष्ठ सेना है। इसके राज्य में व्यापार सोना चांदी के सिक्कों से होता है। यह भी कहा जाता है कि उसके राज्य में सोने और चांदी की खाने भी हैं। यह राज्य भारतवर्ष का सबसे सुरक्षित क्षेत्र है। इसमें डाकू और चोरों का भय नहीं है। मेहर भोज राज्य की सीमाएं दक्षिण में राष्ट्रकूटों के राज्य, पूर्व में बंगाल के पाल शासक और पश्चिम में मुल्तान के शासकों की सीमाओं को छूती है। शत्रु उनकी क्रोध अग्नि में आने के उपरांत ठहर नहीं पाते थे। धर्मात्मा साहित्यकार व विद्वान उनकी सभा में सम्मान पाते थे। उनके दरबार में राजशेखर कवि ने कई प्रसिद्ध ग्रंथों की रचना की। कश्मीर के राज्य कवि कलहण ने अपनी पुस्तक राजतरंगणी में सम्राट मेहर भोज का उल्लेख किया है। उनका विशाल साम्राज्य बहुत से राज्य मंडलों आदि में विभक्त था। उन पर अंकुश रखने के लिए दंडनायक स्वयं सम्राट द्वारा नियुक्त किए जाते थे। योग्य सामंतों के सुशासन के कारण समस्त साम्राज्य में पूर्ण शांति व्याप्त थी। सामंतों पर सम्राट का दंडनायकों द्वारा पूर्ण नियंत्रण था। किसी की आज्ञा का उल्लंघन करने व सिर उठाने की हिम्मत नहीं होती थी। उनके पूर्वज सम्राट नागभट्ट प्रतिहार ने स्थायी सेना संगठित कर उसको नगद वेतन देने की जो प्रथा चलाई, वे ही समय में और भी पक्की हो गई और प्रतिहार परिहार राजपूत साम्राज्य की महान सेना खड़ी हो गई। यह भारतीय इतिहास का पहला उदाहरण है जब किसी सेना को नगद वेतन दिया जाता था। भाइयों, आप सभी को जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय मेहर भोज प्रतिहार, जय मां चामुंडा, जय श्री राम।